you are quite a lady killer. Yeah. Sorry, next to the lady killer, be careful. Yeah. Bharti, mandire ko dekh ke aapko nahi laga ki you can do this? तुम एक बार फिर से अपना सवाल सुन लो खुद के बाद जो तुमने कहा. मैंने कहा आपको उन्हें देख के ऐसा नहीं लगा यू कैन डू दिस ऑल्सो? मैं उनको देखती नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं करती. जो है पतली लड़कियां होती हैं मेरी बनती नहीं उनसे ज़्यादा. तो मैं जैसे मंदिरा जी है, गौहर है, ये मधुरा में जी बैठी है, शिवानी, तो मैं इनसे बात ही नहीं करती. मैं थोड़ा लड़कों के साथ ही रहती हूँ क्योंकि ये मुझे एहसास दिलाते रहते हैं कि गदरीली जवानी अच्छी होती है. ये भूमास अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, जब देखो मेरी सेहत के पीछे पड़े रहते हैं. क्या कमी है मुझ में बताइए फरहान, मैं ठीक नहीं हूँ? एकदम ठीक है. ये तो मेरे पीछे पड़े थे, अगली फिल्म मेरे साथ करोगी? वो तो मेरे पास डेट्स नहीं है, मैं दे नहीं रही इनको, वरना अगली फिल्म में फरहान और मेरे को एक साथ देखोगे आप, है ना दीनू जी? बिल्कुल सही, हम भी हैं उसमें. हम सोच रहे हैं अभी. अच्छा सोचिए सर. ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा सवाल गुरबीत जी और गौर जी आए हैं, तो आपस में कितना कंपटीशन महसूस कर रहे हैं और कितना प्रेशर है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि कंपटीशन से ज़्यादा वी आर ऑल एंजॉयिंग यू नो ये शो का जो फॉर्मेट है. और आई थिंक क्लिप में भी ऐसा कुछ दिखाया गया है कि जस्ट पिछले ही हफ्ते मैं और गुरमीत एक स्किल को लेके हम लड़ रहे थे. सो या वी आर बोथ वेरी कंपेटिटिव, लेकिन हम एक दूसरे को उतना ज़्यादा पुश भी करते हैं. हम सभी एक दूसरे को पुश करते हैं कि यू नो ये अच्छा रहेगा आपके लिए या समथिंग. और मैंने इनको इतनी मतलब कोशिश की कन्विंस करने के लिए, लेकिन फिर भी वो था ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता, वो बिल्कुल सही आया था उस टाइम पे. एंड आई वाज लाइक गुरमीत आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये जो फॉर्मेट है उस मंच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन वैसा फील नहीं होता. पहले भी कुछ किया है लेकिन ऐसा कभी कभी कुछ नहीं किया हमने. फरहान, आप टेलीविजन पे कितना इन सभी को नोटिस कर चुके हैं, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो आप टेलीविजन पे क्या फॉलो करते थे इससे पहले, इन सबको पहले जानते थे या शो में ही जानते? मैंने सबको, मैं काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली पहले से जानता हूँ, कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ मैंने काम देखा है टी वी पे. मैं जेन्युइनली वक्त के बिकॉज ऑफ माय ओन वर्क मैं कोई भी शो मतलब बहुत डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन जो लोग मशहूर हैं टेलीविजन पे, जो लोग जिन लोगों के बारे में बहुत चर्चा होती है. नाम बताइए. यहाँ बैठे हैं आपके सामने अभी, क्या नाम आप किन्हें पर्सनली पहले जानते थे या फैन फॉलोइंग के बारे में आपने सुना? अच्छा, फुल ब्रेक डाउन यू वांट ऑफ एवरीथिंग? यस ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. ओके, मैं गौहर को पहले से जानता था. You can do that. गुरमीत से मैं मिला हूँ ऑन नच बलिए, जब हम वहाँ गए थे. ही वॉज अ कंटेस्टेंट. हेलो हाँ, फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में हम वहाँ गए थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी उससे. मंदिरा को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन वॉज द फर्स्ट टाइम वी मेट, इट्स बीन सो लॉन्ग. चैंग से भी मैं बहुत मिला हूँ, हमने साथ में कुछ ब्रांड शूट्स भी किए हैं. डीनो को मैं बहुत बहुत सालों से जानता हूँ, जब वो बहुत छोटा था तब हमारी मुलाकात हुई थी उसने. क्या हो रहा है सब? ओके, भारती से मैं जब अवार्ड शोज में जाता हूँ मेरी एक दो बार मुलाकात हुई है. एंडी से आई डोंट नो, एंडी हैव यू मेट बिफोर दिस? मे बी, आई एम नॉट श्योर. हो सकता है सपनों में, हो सकता है कि हम सपनों में मिले थे, ये हो सकता है. नहीं, मैं अपने सपनों के बारे में बात कर रहा हूँ. मेरे सपनों में बहुत कुछ होता है, वो यहाँ के लिए नहीं है. ओह आई सी.